हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन धाकड़े, वेलकम टू फ्लाय अकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला एक शानदार ट्रिक जिसमें आपके दो नंबर और तीन नंबर को आप आसानी से बिल्कुल एक या दो सेकंड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के, बस देखकर। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे सपोज करो कोई भी दो नंबर जो 100 के नियर बाय होते हैं, कोई भी जो टू डिजिट नंबर 100 के नियर बाय होते हैं उनका, चाहे वो थ्री डिजिट नंबर भी हो टू डिजिट नंबर, उनका मल्टीप्लाई करने वाले। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 95 × 96, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, हमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो बहुत सिंपल है, इसको बताओ 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, ये आपका 5 कम है, और ये कितना कम है, ये -4 कम है। तब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये कि या तो आप इसको इसमें से माइनस कर दो या इसको इसमें से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 95 में से 4 जाएगा तो भी 91 ही बचेंगे, और 96 में से 5 जाएगा तो भी आपका 91 ही बचेगा। ठीक है, अब इस बार इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन। 95 × 96 करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई आएगा 9120। करना क्या है, सिंपल, जो पास 100 से जितना का मैं बोले दिया, 100 से जितना का मैं बोले दिया, बस आपका क्रॉस में किसी एक को माइनस कर दीजिए, वैल्यू सेम ही आने वाली और दोनों का मल्टीप्लाई। चलो दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 93 × 95 ले लेते हैं, 93 × 95, तो क्या होगा, ये कितना कम है, ये 7 कम है, ये 5 कम है। क्या करना है हमें, अब सीधा सा हमें माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस कर दो या इसको इसमें से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं इसको इसमें से माइनस करूं, कितना बचेगा, 88 बचेगा, कितना बचेगा, 88, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 35, इन दोनों का मल्टीप्लाई 35, 88 35, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 88 35। एक और नंबर ले लेते हैं, 94 × 92, तो ये 94 100 से कितना कम है, ये कितना कम है आपका, 6 कम है, ये कितना कम है आपका, 8। अब आपको करना क्या, या इसमें से आप 94 में से 8 घटा दीजिए या 92 में से 6 कम कर दीजिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों बात एक ही है, आंसर वही है। तो क्या हो जाएगा आपका, 94 में से 8 जाएगा कितना बचेगा आपका, 86, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 48, तो 8648 864, तो है ना कितना आसान। तो इसी के साथ आपका टू डिजिट नंबर का फिनिश होता है। अब हम आते हैं जो 100 से ज्यादा नंबर होते हैं, तब हम आते हैं थ्री डिजिट पर जो 100 से ज्यादा होते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया 103 × 105, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से कितना ज्यादा, ये 3, और ये कितना ज्यादा, 100 से 5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हमने क्या करा था, माइनस करते थे, माइनस कम होता तो प्लस है तो प्लस करेंगे, तो या इसको इससे प्लस कर लिए, इसको इससे प्लस कर लीजिए, तो क्या होगा, 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 103 और 5 108, या फिर 105 और 3 108 ही होगा, और इन दोनों का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 18। तो आपके 103 × 105 का गुणा कितना होगा, 108 18। तो जैसे हम कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 102 × 106, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। या तो आप इसको इससे ऐड करो या इससे ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 108, और ये 6 × 2 = 12, तो ये आपका आंसर है। तो ये इस तरीके से आप फटाफट यूं कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, मैं एक और लेता हूं, 105 × 106, इसका हमें मल्टीप्लाई करना, तो क्या करेंगे हम, बस ये कितना ज्यादा है, 5, और ये कितना ज्यादा है, 6, तो क्या होगा, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 111, 105 और 6 111, या 104 5 111, और ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 30, 111 30। तो ये है ना बहुत सिंपल ट्रिक। तो इसी के साथ आपको जो 100 से ज्यादा है हमने उनका मल्टीप्लाई किया। अब मैं आपको अगला बताने वाला उसमें ये कि जो 100 से कम होगा और 100 से ज्यादा होगा, मतलब एक टू डिजिट नंबर होगा और एक थ्री डिजिट नंबर होगा, तो उसको कैसे करना, तो जरा समझिएगा। जैसे कि मैंने ये नंबर लिया 95 × 102, तो आप देखेंगे ये 100 से कितना कम है, ये 5 कम है, और ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। तो क्या करते हैं, या तो आप इसमें क्या कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए, या इसमें से 5 माइनस कर दीजिए। 95 और 2 कितना होता है, 97 होता है, और 102 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 97। बस यहां पे ध्यान क्या रखना है, यहां पे 00 लिख, बस आपको यहां पे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 10, तो 10 आपको माइनस करना है, तो ये 0, ये 9, ये 6, और ये आपका 6, तो आपका जाएगा 9690 9690। करा क्या मैंने, इसको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, वही कोई क्रॉस में जाता है, आप माइनस वाले से इसको माइनस करिए, प्लस वाले से प्लस करके बोले, वो तो सेम क्वांटिटी आएगी, बस यहाँ पे 00 लिख के दोनों का मल्टीप्लाई जो आता है उसको उसमें माइनस करना है, फाइनल आंसर। चलिए हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। तो देखिए हमने जैसे नंबर लिया 93 × 103, तो ये 100 से कितना कम है, 7 कम है, 100 से कितना, 3 ज़्यादा है, इसको इसमें जोड़ दिए, इससे घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 96, या इसमें
7 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा 96, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 21 में माइनस कर दो, ये 9 बचेगा, ये 7 बचेगा, ये 5 और ये 9, तो 9579 एक नंबर और ले लेते हैं, तो जैसे 96 × 104 हम ले लेते हैं, 96 × 104 लेंगे, ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो इसको हम ऐड कर दो, इससे ये माइनस कर दो तो कितना आएगा 100 ही, और ये जिसमें 001 460 से माइनस करें कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, ये आपका कितना बचेगा यहाँ पे, ये 8 बचेगा, ये आपका 9 बचेगा, ये आपका 9 तो ये कुछ नहीं, तो आपका कितना जाएगा 9984, तो है कितना आसान। तो इसी के साथ ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है वो खत्म होती है, तो होप यू गाइस आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और ना सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों में फैला दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और ऐसी शानदार मैं ट्रिक आपको देते रहूँगा, तो इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।